हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आज हमारी पाइथन का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बता दिया था कि जो हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा था ऑपरेटर, और हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर रहेगा। बाकी तीन ऑपरेटर हम लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। तो जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमारी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है ओ लेवल M3 के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो सारे आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी सारी क्लासेस देख सकते हैं। अभी हमारा पाइथन बहुत ही बिगनर लेवल का चल रहा है, तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटर के बाद से। क्योंकि जितने भी हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इसके एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ी चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के पढ़ चुके हैं। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर से क्या होता है, जो हमारे एग्जाम्पल होंगे उसमें प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर, वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बहुत कुछ बता दिया है। जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे आपको जो भी मैं अपडेट करूंगा क्लासेस वो आपको मिल सके। ओके, और दूसरा क्या, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पाइथन सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपके बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हो, 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, या फिर किसी भी एडवांस लेवल को, सब लोग इनको ले सकते हैं सभी क्लासेस को। बाकी मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि नोट्स, जो आपके नोट्स हैं यहाँ पर careersknowledge.in जो हमारी वेबसाइट है, ओके, careersknowledge.in जो हमारी वेबसाइट है, इस पर आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कल रात तक आपको अपलोड हो जाएंगे। तो जो नोट्स थे वो आपके अपलोड हो चुके हैं, तो जो भी हम लोगों ने क्लासेस कंप्लीट किए हैं सभी के नोट्स आपको careersknowledge.in वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो नोट्स भी आपको मिल जाए। बाकी अगर आप PDF में मटेरियल चाहते हैं अपने पाइथन क्लासेस का, तो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007253350 पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, व्हाट्सएप करना इस नंबर पर। तो अगर आप चाहते हैं कि यही ओन वर्ड्स के जो मैं आपको दे पढ़ा रहा हूँ, यही आप PDF में चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप इस पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर वर्क कैसे करता है आज हम लोग इसको समझेंगे, बाकी तीन ऑपरेटर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अगर आप लोगों ने एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नाम का सब्जेक्ट होता है उसमें भी ये होता है, यहाँ पे हम लोग गेट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स अवेयर होंगे और काफी स्टूडेंट अवेयर नहीं होंगे। इसमें जो हमारे ऑपरेटर चलते हैं, जो मोस्ट कॉमन ऑपरेटर होते हैं, वहां पर जो एक तो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, दूसरा हमारा और ऑपरेटर होता है, एक हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। अगर अदर लैंग्वेजेस में बोले तो हम लोग एंड लिखते नहीं थे, इस तरह से सिम्बल्स होते थे, बट हमारे जो पाइथन है इसमें हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि अदर लैंग्वेजों में इस तरह से और का होता था और इस तरह से नॉट का होता था, लेकिन पाइथन में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एंड और नॉट। तो अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एंड ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से थोड़ा सा डिटेल में। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये एंड ऑपरेटर कहलाएगा, चाहे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि हेडिंग हो गई हमारी एंड ऑपरेटर, अब इसको समझ लेते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब बोथ ऑपरेंड्स हमारे क्या हो, ट्रू हो, ठीक है। तो ऑपरेंड मतलब आपको पता ही है, जब हमारी अगर थोड़ा सा और इजी वे में समझाएं, तो जब हम दो कंडीशन लगाएंगे, सपोज इस तरह से मैंने कहा 14 इज ग्रेटर देन 5 एंड 78 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जब हम लोग ट्रू होंगी, अगर हम इसके बीच में क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा बिल्कुल आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को आप बिल्कुल भी कट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको फर्स्ट टाइम समझने में, लेकिन मैं आपको डिटेल्ड में एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो में, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले हेडिंग लिखी है एंड ऑपरेटर, तो ये कब रिटर्न करता है ट्रू, जब दोनों ऑपरेंड हमारे ट्रू हो। अगर मैं आपको इसकी ट्रुथ टेबल बताऊं, ठीक है, ट्रुथ टेबल चलती है, जैसे मैंने मान के चलो फर्स्ट ऑपरेंड यहाँ पे इस तरह से अगर मैं बनाऊं इसकी फर्स्ट ऑपरेंड, दूसरा मैं बनाऊं यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड, ठीक है, तो सेकंड ऑपरेंड, बाकी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा, ये थोड़ा सा पहले लॉजिकली मैं आपको समझा देता हूँ सेकंड ऑपरेंड, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अब हम लोग ये देखते हैं। तो ये ट्रुथ टेबल कहलाएगी। फर्स्ट ऑपरेंड जैसे कि मान के चलिए ट्रू है, ठीक है, पहला ऑपरेंड जो है वो हमने माना वो क्या है, ट्रू है, और दूसरा ऑपरेंड भी क्या है, ट्रू है, तो TRUE दोनों ट्रू होंगे, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कि हमारा एक ऑपरेटर जैसे कि यहाँ पर ये वाला हमारे पास ट्रू है, बट जो दूसरा ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो मैंने पहले बताया जो एंड ऑपरेटर रहता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू देता है, अदरवाइज क्या देता है,
फॉल्स देता है। अब मान के चलिए मैंने ये वाला फॉल्स कर दिया और यहाँ पर ये ट्रू कर दिया, ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आने वाला है। और सिमिलरली अगर मैं क्या करूंगा, दोनों फॉल्स दूंगा और यहाँ पर भी मैंने कर दिया फॉल्स और यहाँ पर भी क्या कर दिया फॉल्स, अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंड ऑपरेटर ट्रू कब आंसर देता है, तो आपके सामने जब दोनों ही ऑपरेंड हमारे ट्रू होंगे तभी ये आंसर हमें ट्रू देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स देगा। तो ये आपकी कहलाएगी, इसकी ट्रूथ टेबल ये हमारी कहलाएगी, ठीक है। अगर इसको प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल भी इसका पॉसिबल है। अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लॉजिकल ऑपरेटर है, तो पूरा ये लॉजिकल काम है, इसको मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से हमारा क्वेश्चन में वर्क करता है। और देखिए करते कैसे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू और यहाँ पे मैंने लिखा एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू, तो यहाँ पे एक एरर आ रही है क्योंकि ट्रू इज नॉट डिफाइंड फॉर्म से बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से करेंगे ट्रू एंड ट्रू, तो यहाँ पर इस तरह से डिफाइन है पाइथन में, तो आंसर क्या मिला हमें, ट्रू मिला, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये सिंपल सा हमने इस मोड पे चेक करने के लिए किया। अब मान के चलिए हम यहाँ पे लिखें ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, तो अभी आपको पता है कोई भी एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया है और यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया और यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, तब आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। और अगर दोनों ही फॉल्स करेंगे, फॉल्स एंड फॉल्स, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आपके सामने है कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। यही चीज हम लोग नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 78 इज ग्रेटर देन 5 एंड फिर मैंने कहा 4 इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आंसर देखिए क्या आया, ट्रू आया। तो ये जो आप जो ट्रू फॉल्स देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारी कंडीशंस कहलाएंगी। ये देखिए कंडीशन 1 ट्रू है एंड कंडीशन 2, ठीक है, ट्रू दोनों ही, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू, तो क्या आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। इसी तरह से हम लोग कितने भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 90 इज ग्रेटर देन 5 एंड 67 इज ग्रेटर देन 100, तो पहला क्या होगा, ये ट्रू, एंड दूसरा क्या हुआ, फॉल्स, तो कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड वाली, ट्रू एंड फॉल्स, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, इसमें फॉल्स यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो फॉल्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंड का ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन कब हमारा ट्रू देगा, और यही हमारे क्या होती है, ऑपरेंड, जब दोनों ऑपरेंड की कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ट्रू देगा, अदरवाइज अगर एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, और कुल मिलाकर अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा तो क्या है, ट्रू तभी देगा जब दोनों ट्रू होंगे, और फॉल्स कब देगा, जब कोई भी एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो तो भी हमारा फॉल्स देता है, ओके। ये हमारा एंड ऑपरेटर का काम होता है, बाकी अभी प्रोग्रामिंग और भी आने वाली है, ठीक है, प्रोग्राम्स में आप लोग और भी इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नॉट की, सॉरी और की, पहले आप लोग और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो और ऑपरेटर होता है, इसको आप लोग समझिए, और ऑपरेटर, इसकी भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। वैसे इसके बारे में अगर बताएं तो ये कब फॉल्स रिटर्न करता है, जब दोनों फॉल्स हो, ठीक है, ये सीधी सी बात है। अगर ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं हम लोग तो ऐसे बनेगी, ये ट्रू ट्रू पर भी ट्रू देगा और ट्रू फॉल्स पर भी ट्रू देगा, मतलब ये फॉल्स तब देगा जब दोनों ही कंडीशन हमारी क्या होंगी, फॉल्स होंगी, ठीक है। अगर आपको बनाना चाहें तो आप इसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, बस ये एक ही बार फॉल्स देने वाला है, तो मैं इसकी ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, ठीक है, ये क्या देगा इसमें हमारा, ट्रू ट्रू पर ट्रू देगा, और ऑपरेटर ट्रू फॉल्स पर भी क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा कंडीशन होती है कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये यहाँ पर फॉल्स देगा क्योंकि दोनों यहाँ पर फॉल्स हैं। अगर यही चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, और इसमें मान के चलिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, वन मिनट, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू और इस बार क्या लिखा मैंने, और लिखा ट्रू और ट्रू, तो देखिए ट्रू और ट्रू पे तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इसी तरह ट्रू और फॉल्स, तो इस कंडीशन में यहाँ पर देखा जाए तो क्या आ रहा था, एंड ऑपरेटर लगा था इसलिए फॉल्स आ रहा था, बट और ऑपरेटर में क्या होता है, कोई भी एक ट्रू मतलब ट्रू, तो आप आंसर देखेंगे, वन मिनट, यहाँ पर मैंने एंटर वहां पे कर दिया एक्चुअली, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ट्रू ही मिलेगा। ऐसे क्या होगा, फॉल्स और ट्रू, तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ऐसे क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, तो अब हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो यहां से क्या बात क्लियर हो रही है हमारी, कि जब भी हम लोग इस पर वर्क करते हैं तो कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो आंसर क्या मिलेगा, हमें ट्रू ही मिलने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अरे अब इसके बाद अगर आपको नंबरिंग पे देखना है इस तरह से, तो हम इस पे भी आपको बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसी को कर लेते हैं, 70 इज ग्रेटर देन 5 एंड
4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लिया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहां भी कंडीशन यही थी और बीच में एंड था, तो दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो ये ट्रू दे रहा था। यही कंडीशन मैंने यहां लगा दी, लेकिन यहां पे एंड के प्लेस पे क्या लगाएंगे और, तो भी ये हमें क्या देगा, ट्रू ही देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू मतलब ट्रू। अब हम लोग लगाते हैं दूसरी वाली कंडीशन, 9 इज ग्रेटर देन 5, और मैंने यहां पे लिख दिया और 67 इज, आप लोग इसको उस मोड पर भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग मोड पे, जरूरी नहीं है इसी मोड पर आप लोग करें, प्रोग्रामिंग मोड होता है उसमें आप प्रिंट के अंदर ये लिख देंगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, प्रिंट के अंदर डाल सकते हैं। इस मोड में क्या होता है, प्रिंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोडिंग कम करनी पड़ती है इस तरह की कोडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, 67 इज ग्रेटर देन 100, तो देखिए पहली वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन दूसरी वाली क्या है, फॉल्स है, लेकिन ये हमारा और ऑपरेटर है इसलिए आंसर हमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने 100 इज ग्रेटर देन 200 और 5 इज ग्रेटर देन 1, तो पहली कंडीशन फॉल्स लेकिन दूसरी सही है, लेकिन आंसर क्या मिलेगा हमें, ट्रू ही मिलने वाला है। गलत कब होगा और ऑपरेटर, जब दोनों कंडीशन हमारी रॉन्ग होंगी। तो यहाँ पे देखिए 600 इज ग्रेटर देन 1000, ओके, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, फॉल्स है, इसलिए आंसर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल किसका हो गया, ये आपका प्रैक्टिकल कहलाएगा आपके और ऑपरेटर का। तो और ऑपरेटर का इस तरह से रहेगा, आप लोग, मैंने बोल दिया आप लोग प्रोग्रामिंग मोड पे भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग मोड आप समझ गए होंगे इस तरह से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बस इस तरह से यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ता है, जैसे मैंने कहा 78 इज ग्रेटर देन 3 और इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा एंड 9 इज ग्रेटर देन 2, तो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसमें, ट्रू आएगा। इसी तरह से जो भी मैंने वहां पे कंडीशंस लगाई हैं वो कंडीशंस आपको प्रिंट में देना है, 89 इज ग्रेटर देन 2 एंड 67 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। यहां मैं एंड नहीं लगा रहा हूं, अब मैं ऑल लगा रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है पहला भी आपका ट्रू आएगा, दूसरा भी ट्रू आएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी आप सब लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया और के नाम से, अब मैंने इस पे किया F5 प्रेस, तो आप देखेंगे पहला भी ट्रू और दूसरा भी ट्रू। तो इस तरह से आप लोग प्रोग्रामिंग मोड पे कर सकते हैं और ऐसे आप लोग कमांड मोड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों मैंने बता दिया, जिस पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मेन चीज करने का क्या, भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे इन सब पे, लेकिन ये आपका बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तो मैं आपको पूरा लॉजिकल यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे यहाँ पे वर्क करते हैं, ओके। इसके बाद लास्ट हमारा रह गया नॉट ऑपरेटर, ठीक है, ये जस्ट क्या करता है, ये काम अपोजिट करता है, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर जो वर्क करता है वो बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। अब ये वर्क कैसे करता है, तो अगर देखा जाए तो नॉट ऑपरेटर यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट इट्स एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जस्ट रिवर्स करेगा। अगर हम दूसरे बात में कहें तो कहेंगे इन अदर्स वर्ड वी कैन से दैट ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड फॉल्स बिकम ट्रू, अगर आप ट्रू दोगे तो ये फॉल्स करेगा, फॉल्स दोगे तो आप ट्रू करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट चलता है, जैसे मान के चलिए हम लोग यहां पर आ जाते हैं अपने पाइथन शेल पे, यहां पर चलो इसको क्लोज करके ओपन करते हैं, काफी फुल हो गया है, जस्ट अपोजिट चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉल्स देगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ट्रू देगा। जैसे कि मैंने देखिए यहां लिखा टी आर यू ई ट्रू लिखा तो देखो ट्रू मिला, ठीक है, लेकिन ये ट्रू कब मिला, जब हमने यहां पे सिर्फ ट्रू लिखा। अब मैं यहां पे लिख दूं नॉट ऑपरेटर लगा के नॉट ट्रू, तो ये अपोजिट देगा फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा तो फॉल्स ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं लिखूंगा नॉट फॉल्स, जब मैं नॉट फॉल्स लिखूंगा तो ये ट्रू देगा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, ये जस्ट अपोजिट चलता है। कैसे वर्क करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 इज ग्रेटर देन 3, क्या 15 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। अगर इसी के आगे मैं लिख दूं नॉट 15 नॉट ग्रेटर देन 3, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, एक तरह से हमने नॉट लगा दिया, देखा जाए तो कंडीशन ही बदल गई, 15 नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये क्या देगा, फॉल्स, जबकि वो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो ये अपोजिट चलता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इसमें लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। इसका यूज बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, ज्यादा कोई ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादातर यूज हम लोग देखेंगे लॉजिकल एंड का एंड लॉजिकल और का, ठीक है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम लोग अपना नेक्स्ट ऑपरेटर था जो कि लॉजिकल ऑपरेटर, वो भी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी मेंबरशिप ऑपरेटर होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं अगर आपको इसमें कराएंगे तो, नहीं तो क्या है कि हमारे आगे जो चैप्टर आएंगे ना उसमें भी इसका यूज आएगा, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोग वहां देख लेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास तक ऑपरेटर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग चलेगी, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।